से ये सरकार बनाई, जिससे जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसको उसके लिए उसको उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज वॉट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माई लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं, मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं कि इस तरीके की चीज, किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूं। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में हाईकमांड को देखना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। जैसा मैंने कहा, हिमाचल के लोग बहुत भावुक है, इमोशनल है। हर चीज राजनीतिक पैमाने से नहीं तोली जा सकती है, हर चीज को जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें भावनात्मक होती है, कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। और इसमें एज अ सन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी, इस चीज पे जो है वो अच्छा नहीं लगा, और मैं आज इस चीज को जाहिर कर रहा हूं। आने वाले समय में भी मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जो किसी को ह्यूमिलेट करे, प्रदेश की जनता को ह्यूमिलेट करे, या जो है लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल कर हो। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल, मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके, आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज्यादा ना कहना चाहता हूं ना कह सकता हूं, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूं, विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को, जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं। और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। और मैं फिर से प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इतने समय तक आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे दिया, जो प्रेरणा मुझे समय समय के ऊपर दी, बहुत से जीवन में कठोर निर्णय लेने भी पड़ते हैं, बहुत से मुश्किल समय भी आते, मगर प्रदेश की जनता ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है, हमेशा हमारा समर्थन किया है, हमेशा मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, और मैं हमेशा आने वाले समय में भी उसी तरीके से सही का समर्थन करते हुए, गलत का विरोध करते हुए आगे बढ़ूंगा।